हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी मस्त होंगे। मैं भी मस्त हूँ। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिमानी रखवाल ब्लॉग पे स्वागत है। बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटू को मेरा प्यार। आज हम जा रहे हैं हल्द्वानी को। मैं सानवी दगड़ू दगड़ू तो सबको वापस आ जाएंगे, मैं सानवी वहीं रहेंगे सारा स्लोक के यहाँ, क्योंकि यहाँ यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका है और सानवी को भी जुकाम वुकाम लगा है। तो एक बार और दिखा लेंगे डॉक्टर को, और मुझे भी लगा मैं भी दिखा लूँगी। तो अभी हम थोड़ी देर में निकल जाएंगे यहाँ से हल्द्वानी को। मैंने सानवी को भी रेडी कर दिया और सामान भी रख दिया, मैं भी रेडी हो गई। दगड़ू गए हैं ऊपर दुकान पे। मैं दिखाती हूँ आपको, मैंने सानवी को रेडी किया है। यह है सानवी, और इसने सारी टोपी भी खोल दी अपनी। तो यह है सानवी। सानवी सानवी, ओए इधर को देख, ऊपर को देख। सीधू वो टोपी भी खोल दी इसने। क्या कर रहा वो, क्या कर रहा वो। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं भीमताल। मैं दिखाती हूँ आपको भीमताल। कहाँ देखते हैं? जय जय, ये दामाद। ये देखो पापा और बेटी का प्यार। वो मम्मी को देखो। तो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं हल्द्वानी। अभी मैं खा रही हूँ अपने फेवरेट जगह की मोमो, दिखाती हूँ आपको। देवाशीष के पास है। अभी शाम के बज चुके हैं 5 और हमने दिखा लिया सानवी को भी हॉस्पिटल। अब जा रहे हैं सारांश लोग के रूम में। मैं सानवी और दगड़ू को बहुत खांसी हो गई, दवा ले लेना। और दगड़ू जाएंगे घर को। अब जा रहे हैं हम सीधे सारांश लोग के रूम में, मिलते हैं आपको। अभी दगड़ू को गाड़ी भी दिखानी है, उसके बाद जाएंगे घर को और मिलते हैं हम आपको सारांश लोग के रूम में। तो फ्रेंड मैं पहुंच चुकी हूँ सारांश लोग के कमरे में, और ये है सारांश। हाय बोल। हाय हाय। इशू ए फॉर बी फॉर ऐसी नहीं, बी फॉर बिफोर चिपॉल। ये सानवी। तो दगड़ू जा चुके हैं घर। आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करती हूँ, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। प्लीज़ ब्लॉग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं कल आपको।